नमस्कार। अभी नायका कंपनी का एक आईपीओ आया, जो ब्यूटी स्टार्टअप है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती है ऑनलाइन और ऑफलाइन। इस आईपीओ ने पूरे देश में धूम मचा दी। इस आईपीओ की इश्यू प्राइस थी 1125 रुपए और जब यह मार्केट पर लिस्टेड हुआ तो दिन भर 2200 तक टच हुआ और एक झटके में निवेशकों के पैसे डबल कर दिए। इस नायका कंपनी की मालिक फाल्गुनी नायर, फाल्गुनी नायर के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इन्होंने उस उम्र में सफलता पाई जिस उम्र में लोग रिटायर होने की सोचते हैं। जी हां, 50 साल की उम्र में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ब्यूटी फैशन का। देखिए, इस उम्र में तो लोग रिटायर होने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन फाल्गुनी नायर के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था, कुछ न कुछ नया करें। जब इनको आईपीओ आया ना मार्केट में, शेयर मार्केट में आईपीओ जब इनकी कंपनी लिस्टेड हुई ना, तो एक झटके में इनकी कंपनी यूनिकॉर्न में शामिल हो गई। यूनिकॉर्न उसको बोलते हैं जिसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ रुपए हो। और नायका कंपनी का वैल्यूएशन 1,00,000 करोड़ रुपए चली गई। और देखिए, महज 9 साल में फाल्गुनी नायर ने यह कर दिखाया। महज 9 साल कैसे किया और कैसे उस स्टेज पे पहुंची फाल्गुनी नायर, उसकी स्टोरी आज अपन जाने। फाल्गुनी नायर मुंबई में पली बड़ी, आईएम अहमदाबाद से एमबीए किया और फर्स्ट नौकरी महिंद्रा कैपिटल में की और 2005 में मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंची। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी फाल्गुनी नायर ने वो नौकरी छोड़ दी और 2012 में फैशन ब्यूटी की लाइन में आई और एक नायका कंपनी की शुरुआत की। देखिए आप, जहां उनको रिटायर होना था वहां उन्होंने अपने 50 साल की उम्र में नायका कंपनी की शुरुआत की। और कैसे महज 9 सालों में इतनी बड़ी सफलता पाई है, देखिए। 2012 में नायका कंपनी की शुरुआत हुई। उस वक्त फाल्गुनी नायर को न तो ब्यूटी इंडस्ट्री की जानकारी थी और न ही ई कॉमर्स इंडस्ट्री की जानकारी थी। देखिए आप, फिर भी उन्होंने उस लाइन में कदम रखा और एक बड़े हिम्मत और जोश और जुनून के साथ में कंपनी शुरू की। शुरुआत में फाल्गुनी नायर ऑर्डर आने का घंटों इंतजार करती थी। शुरुआत में ई कॉमर्स कंपनी पर ही फिजिकल स्टोर नहीं थे इस नायका के। शुरुआत में खुद फाल्गुनी नायर घंटों इंतजार करती थी कि कब ऑर्डर आए, कब ऑर्डर आए, वेबसाइट पर इंतजार करती थी। और जब भी ऑर्डर आते थे ना, तो वो खुद सभी ऑर्डर देखा करती थी। और शुरुआत में फाल्गुनी नायर को मुसीबत भी बहुत झेलनी पड़ी। कहते हैं कि शुरुआत में 3 टेक्निकल चीफ ऑफिसर उनकी नौकरी छोड़ के चले गए थे, लेकिन फाल्गुनी नायर ने हार न मानी और वो मेहनत करती रही। डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट वहाँ लाती रही और पब्लिक को, कस्टमर को जो चीज़ चाहिए थी वो पहुँचाती रही। कैसे कंपनी को ग्रोथ मिली, देखिए आप। नायका के इन्वेस्टर कौन थे? 2014 में 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया सिकोइया कैपिटल इंडिया की तरफ से। 2015 में 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया अतुल निसार की तरफ से। 2016 में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया हर्ष मारीवाले की तरफ से। 2018 में 342 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया लाइट हाउस इंडिया की तरफ से। 2019 में 319 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया टीपीजी ग्रोथ की तरफ से। देखिए आप, नायका की ग्रोथ देखिए आप, इन्वेस्टमेंट में कैसे इनका इन्वेस्टमेंट दिन ब दिन बढ़ता गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नायका में कटरीना कैफ और आलिया ने भी पैसा लगाया है। कटरीना कैफ और आलिया ने भी नायका में पैसा लगाया है। उन्होंने बताया, फाल्गुनी नायर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि कटरीना कैफ और आलिया ने 4 वजह से इस कंपनी में पैसा लगाया। देखिए आप, पहला ये भारतीय स्टार्टअप है। सेकंड, इसको एक महिला चलाती है, खुद फाल्गुनी नायर इसको रन करती है। थर्ड, भारत का कोई भी ब्रांड दुनिया के ब्रांड से टक्कर ले सकता है। आलिया और कटरीना को विश्वास था कि ये जो भारत का जो ब्रांड है दुनिया के ब्रांड से टक्कर ले सकता है। और फोर्थ, सबसे अहम चीज़ थी ये, देखिए आप,
इस नायिका ने सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट पर ही फोकस किया। ई कॉमर्स कंपनियां तो पहले भी थी, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट मिक्स में ई कॉमर्स पर बेच रही थी, लेकिन फाल्गुनी नायर ने सिर्फ एक चीज, सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट का ही अपनी कंपनी में फोकस किया और सिर्फ एक प्रोडक्ट ही रखा। इन्होंने 17 तरह के प्रोडक्ट नहीं रखे। अभी तो बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहां पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन आज भी फाल्गुनी नायर के ई कॉमर्स कंपनी पर सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट ही मिलते हैं। हालांकि अभी इन्होंने फिजिकल स्टोर भी इन्होंने खोल दिए हैं। 2012 से 2018 तक कंपनी घाटे में चली। शुरुआत में 2012 में जब नायका की शुरुआत हुई, तो 2012 से लेकर 2018 तक कंपनी घाटे में चली। देखिए 2014 में 17 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 17 करोड़ का घाटा हुआ। 2015 में 58 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 26 करोड़ का घाटा हुआ। 2016 में 214 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 36 करोड़ का घाटा हुआ। 2017 में 578 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और 28 करोड़ का घाटा हुआ। 2018 में 900 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और 25 करोड़ का घाटा हुआ। 2019 में 1161 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, तब 2019 में इन्होंने 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। देखिए आप 2014 से लेकर 2018 तक ये घाटे में चली जस्ट, और 2019 में इन्होंने 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। फिर 2020 में 1860 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और 94 करोड़ यानी 94 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया। अभी वर्तमान में नायका के 55 लाख ई कॉमर्स पर एक्टिव यूजर्स हैं। आप देख लिए मंथली एक्टिव यूजर्स हैं अभी वर्तमान में। 75 से ज़्यादा स्टोर चल रहे हैं फिजिकल, ई कॉमर्स पर तो कंपनी है ही है, लेकिन 75 फिजिकल स्टोर भी ऑल ओवर इंडिया में रन कर रहे हैं। क्योंकि फाल्गुनी नायर का मानना है कि ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फिजिकल भी स्टोर रन कराना जरूरी है, क्योंकि महिलाएं फिजिकल भी उन प्रोडक्ट को लेकर चेक करती हैं, इसलिए इन्होंने कंपनी ने फिजिकल स्टोर भी खोलने शुरू कर दिए थे। इसलिए ऑल ओवर इंडिया में अभी 75 फिजिकल स्टोर रन कर रहे हैं नायका के। 1200 से ज़्यादा ब्रांड इनकी वेबसाइट पर हैं, 7 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट पर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर रन कर रहे हैं। IPO अभी लेटेस्ट IPO आया 1125 रुपए की रेट पर इश्यू प्राइस हुआ था, और जिस दिन ये मार्केट पर शेयर मार्केट पर लिस्टेड हुआ उस दिन हाईएस्ट 2200 रुपए के टॉप पर पहुंचा था शेयर। यानी आप देख लीजिए 1125 के हिसाब से किसी ने अगर शेयर लिए होंगे ना, तो एक ही दिन में 2200 रुपए टच कर गया था, तो जस्ट डबल मुनाफा इस नायका ने दिया है। कंपनी में नायका की हिस्सेदारी 53.5% है। फाल्गुनी नायर की हिस्सेदारी कंपनी में 53.5% है और कुल मार्केट कैप कंपनी का है 1 लाख करोड़। कुल कंपनी का अगर मार्केट कैप देखे तो 1 लाख करोड़ है। उस हिसाब से फाल्गुनी नायर की संपत्ति होती है 52,000 करोड़ रुपए। और भारत के जितने भी स्टार्टअप है ना, उस स्टार्टअप में नायका नंबर वन है। मात्र 9 सालों में 50 साल की उम्र में कंपनी का स्टार्ट की, और मात्र 9 साल में फाल्गुनी नायर 52,000 करोड़ की मालिक बन गई। तो इससे अपन को यही एक सीख मिलती है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है। आपके अंदर जोश जुनून और लगन होना चाहिए। अगर जोश जुनून और लगन होगा ना, तो आप भी फाल्गुनी नायर जैसे आप जिंदगी में टॉप पर पहुँच सकते हैं। इसीलिए सफलता पाने के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती है। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।